हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं टेक सर्च फाइल और आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कमाल का अपडेट लेकर आया हूं, वो है वाईटी स्टूडियो की तरफ से, जिन्हें जानने के बाद आप भी खुशी हो जाएंगे। और आप जितना वक्त लगाते थे वीडियो अपलोड करने के लिए, उससे भी बहुत कम समय लगेगा आपको वीडियो अपलोड करने में वाईटी स्टूडियो की तरफ से, और वो भी सही तरीके से। तो चलिए हम वीडियो में जानते हैं कि वो क्या अपडेट है वाईटी स्टूडियो की तरफ से। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी नई नई वीडियो और आप तक पहुंचती रहे। पहले हम क्या करते थे कि कोई भी वीडियो यूट्यूब से अपलोड करते थे, तो चलिए हम यूट्यूब में जाते हैं। यूट्यूब में जाते ही इस तरह का ऑप्शन आ जाता था, तो हम फिर प्लस वाले आइकन पे जाते थे। यहाँ पे जाने के बाद ये अपलोड ऑफ फीचर्स पे जाते थे, यानी कि अपलोड ऑफ वीडियो पे जाते थे, और यहाँ से हम कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लेते थे जो वीडियो हमें अपलोड करना है। तो चलिए हम एक वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं इसे, और वीडियो सिलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते थे। जैसे ही हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते थे तो हमारे सामने वो सारा ऑप्शन आ जाता था, जिससे हम अपने वीडियो में थंबनेल लगा सकते थे, टाइटल दे सकते थे, डिस्क्रिप्शन दे सकते थे। चलिए मैं कोई भी एक टाइटल दे देता हूँ वीडियो की तरफ से। तो टाइटल देने के बाद फिर हम डिस्क्रिप्शन देते थे। डिस्क्रिप्शन देने के बाद हम यहाँ से बैक होके और अपने वीडियो को अनलिस्टेड में कर देते थे। अनलिस्टेड में वीडियो को करके हम सीधा अपलोड फीचर्स पे क्लिक कर देते थे। अपलोड करने के बाद हम फिर जाते थे वाईटी स्टूडियो में। वाईटी स्टूडियो में जाने के बाद हम अपने वीडियो को एडिट करते थे, यानी कि टैग वगैरह देते थे, क्योंकि टैग देने का ऑप्शन यूट्यूब में नहीं था। लेकिन अब ऐसा ऑप्शन आ गया है जिसकी वजह से हम डायरेक्ट वाईटी स्टूडियो से अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, और वहीं से फिर हम अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं वो करके आपको बताता हूँ। वाईटी स्टूडियो को ओपन करते ही हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होके आ जाता था, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं प्लस आइकन का निशान, ये पहले नहीं था, जिसकी वजह से हम कोई भी वीडियो वाईटी स्टूडियो से अपलोड नहीं कर पाते थे। लेकिन ये अपडेट आने के बाद हम कोई भी वीडियो यहाँ से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, और यहीं से अपने वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने गैलरी का ओपन खोल के आ जाएगा, तो हम यहाँ से वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद तो हमें अपने कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, जो वीडियो हमें अपलोड करना है। तो उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने फिर से उसी तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा। तो हम यहीं से अपने वीडियो में थंबनेल लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, और फिर वीडियो को अनलिस्टेड में करके अपलोड कर सकते हैं। और फिर एक बार रिफ्रेश ऐसे करेंगे तो हमारे सामने टैग का ऑप्शन यही पे आ जाएगा। तो हम टैग देके और मोनिटाइजेशन के लिए ऑन करके और रिकमेंड को ऑन करके हम यहीं से वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, है ना ये कमाल का फीचर्स। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी नई नई वीडियो और आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।